हमारे छत्तीसगढ़ के अफसर जो न कर दे वो कम है। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के नायब तहसीलदार ने 10 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन 10 नामितों में एक का नाम भगवान भोलेनाथ यानी शंकर भगवान का भी है। नोटिस के मुताबिक 25 मार्च को पेशी है। अब यदि भगवान शंकर 25 तारीख को पेश नहीं हुए तो उन्हें उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा सकता है। मामला रायगढ़ नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 25 यानी कौवाकुंडा क्षेत्र का है, जहां पर सरकारी जमीन और तालाब परन पर कब्जे का यह मामला है। इस रोचक मामले में मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड क्रमांक 25 के एक निवासी सुधा रजवाड़े ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई। उनका आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। न्यायालय ने राज्य सरकार और तहसीलदार कार्यालय को इनकी जाँच करने का आदेश दिया। तहसील कार्यालय के अधिकारी ने एक जांच टीम बनाकर जांच की। जांच में कब्जा करना पाया गया। इसके बाद नायब तहसीलदार ने 9 अन्य कब्जाधारियों के साथ भगवान शंकर को भी नोटिस जारी कर दिया। कब्जाधारियों को भेजे गए नोटिस में भगवान शंकर का नाम 6वें नंबर पर है, जबकि यह शिव मंदिर सार्वजनिक है। नोटिस में मंदिर के ट्रस्टी, प्रबंधक या पुजारी को संबोधित नहीं किया गया है, बल्कि सीधे शिव भगवान को ही नोटिस जारी किया गया है। नायब तहसीलदार रायगढ़ ने 25 मार्च 2022 को न्यायालय में सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत अनधिकृत है। इसके लिए आपको 10,000 रुपये का जुर्माना तथा अर्थदंड से दंडित कर कब्जरत भूमि से बेदखल किया जा सकता है। अब देखना होगा कि भगवान शंकर 25 मार्च को पेश होते हैं या फिर उन्हें अपने घर यानी कि मंदिर से बेदखल किया जाता है। यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का है, जहां पे भगवान रायगढ़ के नायब तहसीलदार ने 10 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें इस 10 नामितों में एक का नाम भगवान भोलेनाथ यानी शंकर भगवान को ही खुद नोटिस यहां पे दिया गया है। नोटिस के मुताबिक 25 मार्च को भगवान को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अब यदि भगवान शंकर 25 तारीख को पेश नहीं होते तो उन्हें इनके ज़मीन से बेदखल किया जा सकता है। पूरा मामला रायगढ़ क्षेत्र का है। यहाँ पर नायब तहसीलदार ने यह बड़ा कारनामा किया, जहाँ पर भगवान शंकर को ही यहाँ पर नोटिस जारी किया है और भगवान शंकर को 25 तारीख को पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। अगर भगवान 25 तारीख को पेश नहीं होंगे तो उन्हें ज़मीन से बेदखल किया जा सकता है। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कर जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।